हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जेनजी लर्निंग। लॉन्ग टाइम नो सी गाइस, बट फाइनली नाउ आई कैन से दैट माय वेकेशन एरा हैज़ एंडेड एंड नाउ फाइनली आई हैव केम बैक टू लुक ओवर माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल सम टिप्स एंड ट्रिक्स व्हिच आई विश आई न्यू अर्लियर व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, बट डोंट वरी गाइस, हियर आई एम टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, हाउ इट वाज टू बी इन 10th स्टैंडर्ड। आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Number one thing that I would like to say is that do not stress out, just calm down. I would like to make this very clear that 10th standard ke baad aapki zindagi kuch zyada nahi badlegi, wo percentage itna matter nahi karte jitna matter aapki mental or physical health karti hai, so do not give up on your mental and physical health just because of normal 10th standard. This does not mean that you will give up on studies. 10th standard ki percentage se maybe aapke aage ki life matter nahi karegi, but aapke parents ko khush dekhna to aapka sapna hoga, I am sure, and aapke parents ki happiness wo percentage pe dependent हो सकती है। एंड गाइस, हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम अपने आप के लिए भी तो ये कर सकते हैं। लाइक हमें अगर सोसाइटी को प्रूव करना है कि हम भी ये कर सकते हैं, तो यू शुड गिव इट अ ट्राई, यू शुड वर्क रियली हार्ड। एंड गाइस, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज मिल गए, तो गाइस आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना ईजी लगेगा। एंड यू नो वट सक्सेस फील्स लाइक, देन यू विल क्रेव फॉर इट मोर एंड मोर। गाइज, अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड वर्क कंसिस्टेंसली। इट इज़ नॉट लाइक 10th स्टैंडर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ पता चलता है अपने आप के बारे में, अपने आप के कैपेबिलिटी के बारे में, जो शायद आपको 8th 9th में पता नहीं चलता होगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड फॉर श्योर यू विल नो अबाउट योर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। सो गाइज, जस्ट गिव इट अ ट्राई, वर्क हार्ड, गिव योर 100%। सेकेंड टिप इज दैट आपको इनिशियल मंथ्स में, लाइक स्टार्टिंग मंथ्स में रिलैक्स नहीं करना। अभी तो एक साल बचा है 10th स्टैंडर्ड, इतना भी क्या, अभी तो 10th में आए हैं। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग माइंड सेट गाइज। स्टार्टिंग से ही अगर आप रोज जितना सिखाया हुआ है उतना अगर आप रिवाइज करोगे घर आके, तो इट विल बी वेरी 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 इजी, इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। गाइज, जस्ट वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे गाइज, फॉर श्योर इफ यूल डू दिस यू विल स्कोर अबो 90, माई गारंटी गाइज। ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वेरी यूजफुल ऐप विच मेड मी रियलाइज दैट 10th is not that hard, and also provided great teachers to me which helped me get good grades in 10th standard, and the app is none other than Philo. I have been talking about this app whole entire year, but guys, this app is great for 10th standard. So let me give a brief introduction of this app to you. So basically, Philo app mein you'll find maths and science. Majority of the students face problem in maths and science, but guys, aap ek bar Philo app se agar aap practice karoge, then you'll never face problem, kyunki yahan pe aapko PYQs bhi milenge aur unke solution भी मिले। अगर फिर भी आपको मैथ्स या फिर साइंस डिफिकल्ट लग रहा है, तो यू हैव ऑल राइट टू आस्क योर ट्यूटर अबाउट। तो गाइज, अगर आप फिलो ऐप यूज कर रहे हो, तो यू विल गेट शॉर्ट नोट्स एज वेल एज फॉर्मूला शीट। तो गाइज, इनके नोट इतने ज्यादा प्रिसाइज और अच्छे होते हैं, देयर इज नो नीड टू मेक योर ओन नोट्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स प्रोवाइडेड बाय फिलो। गाइज, आफ्टर स्टडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड बाय फिलो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट आपको कितना समझ आ रहा है। सेम गोज फॉर द साइंस। तो गाइज, आई वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर मैथ्स क्वेश्चन, देन आई ट्राइड आस्किंग ट्यूटर अबाउट इट, एंड गाइज उन्होंने इतने सिंपल और इजी मेथड से मुझे समझाया कि ना, फर्स्ट गो आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड हियर इट इज। तो हमारा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ये मिडिल में हो गया हमारा, और ये हमने मान लिया रेडियस है, और ये हमने मान लिया कि वो है टेंजेंट। तो रेडियस से टेंजेंट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, क्या ये बात आपको पता है कि नहीं? इन दिस वे गाइज, वो बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट से आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा वो प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी। सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड फिलो ऐप, दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ सेवियर इन 10th। यूज़ माई कूपन कोड फिलो AP100 टू गेट 10% डिस्काउंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज, इन लास्ट फ्यू मंथ गाइज सॉल्व PYQ। मतलब ज़रूरी नहीं कि लास्ट फ्यू मंथ में, आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा, रिविजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के देना, क्योंकि आपको उसी से समझ आएगा कि आपकी कितनी ज्यादा प्रिपरेशन बाकी है या फिर आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो कंसेप्ट। सो गाइज, डू नॉट निगलेक्ट और यू नो इग्नोर PYQs, दे आर वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5th टिप आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज, मैथ्स एंड साइंस के लिए डू एज मच एज रिविजन एज, क्योंकि गाइज मैथ्स एंड साइंस ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, और एक बार बस कंसेप्ट पढ़ के आपको इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो कंसेप्ट की। तो गाइज, बार बार करने से आपको एकदम अच्छे से वो कंसेप्ट समझ आएगा, और जितना अच्छे से आपको वो समझ आएगा उतना ही अच्छे से आप उसको एग्जाम पेपर में प्रेजेंट कर पाओगे। सो गाइज, रिविजन इज एसेंशियल फॉर मैथ्स एंड साइंस। गाइज, हमारी नंबर 6th टिप भी इसी से रिलेटेड है।
While focusing on subjects such as maths and science, do not ignore or neglect subjects like English, Hindi, Marathi, Sanskrit. These are equally important, so do not ignore them or else you will regret. क्योंकि guys ये मैंने खुद किया है and guys आपको पछतावा होगा बाद में. तो इनको equally importance देते चलो, इनके भी revision करते चलो, but guys maths and science की थोड़ी ज़्यादा करो, that's it. Number 7th is make to do list every day, set targets. Like आपको आज क्या क्या करना है वो एक नोट पैड पर लिख खुलो, अचीव इट एंड देन टिक टिक करते चलो. यू विल फील सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर यू कंप्लीट ईच एंड एवरी टास्क. सो डू नॉट फॉरगेट टू मेक टू डू लिस्ट. सो गाइज नंबर 8 टिप इज ईट हेल्दी फूड. एटलीस्ट एक दो महीने बोर्ड एग्जाम के पहले आपको अच्छे से आपके हेल्थ का भी ख्याल रखना है. ट्राई टू अवॉइड जंक फूड एज मच एज पॉसिबल और एल्स यू विल एंड अप गेटिंग सिक ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स. And guys, last tip and most important tip for today is make as much as memories as you can with your friends, because this is the last year where you will stay together while balancing studies. Do not forget to make memories with your friends. Kyunki guys, ye last year hone wala hai jab aap log saath mein honge, saath mein lunch kar rahe honge. Create unbreakable bond with your friends and guys, enjoy each and every moment with them because this time is not going to come back to you. And guys, you should have no regrets after passing class 10th and this year is going to be best year of your life. Just keep working hard and do not lose faith in yourself. You can do it, everyone can do it, and I'm damn sure that if you'll work hard, you will get your expected percentage in class 10th. With this guys, I will end up my video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel Gen Z Learning. See you soon in my other video. Till then, bye.